पुराने समय में जब एलोपैथिक और एंटीबायोटिक की दवाई अवेलेबल नहीं थी, तब लोग घर की चीजें बीमारी का उपचार करने के लिए यूज करते थे। लेकिन घरेलू उपचार जल्दी असर नहीं करते थे, थोड़ा वक्त लगता था ठीक होने में। इसीलिए लोग कोई बीमारी के लिए एलोपैथिक दवाई लेने लगे। अभी के वक्त में घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक दवाई बहुत कम लोग यूज करते होंगे। एलोपैथिक दवाई से इंसान जल्दी ठीक होता है, पर उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक और घर के उपाय बहुत सेफ होते हैं, अगर वो प्रॉपर वे से यूज किए जाए तो। नहीं तो कोई बीमारी पे उल्टा उपचार किया तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। आप घर में अवेलेबल रहने वाले बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे हल्दी, गार्लिक, हनी, कोकोनट ऑयल, लेमन, और शायद इनकी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। लेकिन क्या आपको मेथी दाने के फायदे पता है? आयुर्वेदिक में ऐसा कहते हैं कि मेथी दाना खाने से बहुत सी बीमारियां ठीक होती है, मतलब डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इसके जैसी कई बीमारियां सिर्फ मेथी दाना खाने से ठीक हो सकती है। सोचिए, सिर्फ मेथी दाना खाने से डायबिटीज और कई बीमारियां ठीक हो गई तो ट्रीटमेंट और दवाई पे खर्च होने वाले लाखों रुपए बच जाएंगे। मेथी दाना बहुत इजीली मिलता है और काफी सस्ता होता है, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि मेथी दाना खाने से कौन से फायदे होते हैं और कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। साथ में ये भी जानेंगे कि मेथी दाना कैसे और कौन से समय पे खाना चाहिए। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब जानते हैं मेथी दाना के कौन से बेनिफिट्स हैं। डायबिटीज ठीक होना। डायबिटीज पेशेंट को मेथी दाना खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन ये कैसे खाया जाए वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेथी दाना की पाउडर करके खाएंगे तो उसका कुछ असर नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जैसी बीमारी वैसा इलाज करे तो असर करता है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है मेथी दाने को रात को पानी में भिगा के रखने का। उसके लिए एक ग्लास पानी लो और उसमें एक स्पून मेथी दाना डाल के रात भर वैसे ही रखो। फिर सुबह उठ के सबसे पहले वो पानी पी ले और फिर दाने को चबा के खाइए। डायबिटीज पेशेंट 3 महीने तक कंटिन्यू ये करे तो डायबिटीज खत्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सोचो, त्योहार के वक्त आपने बहुत स्वीट्स और ऑयली खाना खाया है, उससे आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी काफी बढ़ गई है। मेथी दाने में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने की बहुत ज्यादा पावर है, इसीलिए आप 1 महीने रोज मेथी दाना खाएंगे तो उससे काफी हद तक बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स मेथी दाना रोज खाएंगे तो 10-15 दिन में ब्लड प्रेशर लेवल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जिनका भी स्ट्रेस या टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन लोग रोज एक स्पून मेथी दाना खाया करें। मेथी दाना खाने के सिवा इसका यूज एक्सटर्नली भी किया जा सकता है। सुन के अजीब लगता है ना कि इतने छोटे दाने को एक्सटर्नली कैसे यूज कर सकते हैं? जानते हैं अब कैसे यूज होता है एक्सटर्नली मेथी दाना। मेथी दाना का यूज बॉडी में कुछ पेन हो रहा है तब भी किया जाता है, लेकिन एक्सटर्नली कैसे यूज करें? छोटे बच्चे की कान में बहुत तेज दर्द होता हो तो सरसों के तेल, कोकोनट ऑयल या फिर घी, इनमें से कोई भी चीज जो आपके पास है उसमें थोड़े मेथी दाने डाल के बहुत गर्म करें। फिर उस तेल को थोड़ा ठंडा होने दें। तेल नॉर्मल हो जाने के बाद बच्चे की कान में एक ड्रॉप डालें। इसे 5 मिनट में कान का दर्द ठीक हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा यूज है मेथी दाने का कि जिनको माइग्रेन से हेडेक होता है उन्हें ये जरूर करना चाहिए। करना ये है कि हाथ के थंब पे नेल के दोनों साइड कुछ मेथी दाने लगा के सेलोटेप से बांध दें। ये आप एक पे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ पे करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टेप पे पानी ना गिरे। मेथी दाना गीला हो जाएगा तो उसका असर नहीं होगा। मेथी दाना कैसे, कब खाए, उसके एक्सटर्नल लूज क्या है वो तो जान लिए, लेकिन अच्छा मेथी दाना कौन सा है ये कैसे पहचानेंगे? जो दाने साइज में छोटे और तीखे होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। तो ये सब है मेथी दाने के फायदे। उसके सिवा लेडीज को यूटेरस डिस्प्लेसमेंट या फिर यूटेरस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो मेथी दाना खाने से यूटेरस के सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अगर पीरियड्स के वक्त बहुत ज्यादा पेन और ओवर ब्लड फ्लो होता है तब भी मेथी दाना खाने से ठीक हो जाएगा। साथ ही जिन लेडीज को मेनोपॉज की वजह से हार्मोन चेंज होने की तकलीफ होती है उसके लिए भी काफी असरकारक है मेथी दाना।
देखा आपने छोटे से मेथी दाना खाने से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती है। जो लोग हेल्दी है उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन लोग भी मेथी दाना खा सकते हैं 10 या 15 दिन, लेकिन पूरे मंथ में कंटिन्यू मत खाना, बीच में गैप रख के खाइए। और एक जरूरी बात, मेथी दाना कभी भी पानी में डाल के गर्म ना करें, उसे सिर्फ पानी में भिगा के खाना है। जब भी आप मेथी दाना खाएंगे उसके एक घंटे बाद ही कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन मेथी दाना खाने के बाद चाय पीना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ध्यान रखें कि आप तुरंत चाय ना पिए। जब मेथी दाना इतना गुणकारी है तो इसे अपने रूटीन लाइफ में जरूर इंक्लूड किए, जिससे आप हमेशा हेल्दी और फिट रहेंगे। और ये दवाइयों से काफी सस्ता मिलता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।